मेरे बच्चे का भविष्य अंधकार में क्यों जा रहा है महाराज? अब आप ही आके राह दिखाओ, विवेक की रक्षा करो। ऐसे आजादी दिलाओगे तुम? जी हाँ, 11 अगस्त को ये दोनों मूवी आने वाला है। चलिए आपको आज बताते हैं कि इन दोनों मूवी में से सबसे ज्यादा किस मूवी का कलेक्शन होने वाला है, और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि कौन सी मूवी ज्यादा एडवांस बुकिंग होते जा रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे ओमजी 2 के बारे में। आपको बता दें कि इस साल स्वतंत्रता दिवस 2023 पर बॉलीवुड के दो बड़े स्टार अपनी फिल्म लेकर बॉक्स ऑफिस पर हाजिर होंगे। पहला अक्षय कुमार तो दूसरा सनी देओल। 11 अगस्त को 2023 को अक्षय कुमार का पंकज त्रिपाठी की ओमजी 2 रिलीज हो रही है। इसी दिन सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 सिनेमा हॉल पर दस्तक दे रही है। दो बड़े स्टार, दो बड़े सीक्वल आ रहे हैं, तो बाजार में हलचल तो होना तय है। दोनों फिल्मों को रिलीज के महल 6 दिन बचे हैं, ऐसे में अक्षय कुमार का गदर 2 सीधे पंगा लेगा, टेढ़ी खबर साबित हो सकता है। फिलहाल आप ओमजी 2 एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से अंदाज लगा सकते हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। इसी के साथ जानकारी ओमजी 2 के निर्देशक का बात करें तो इस मूवी का निर्देशक अमित राय जी हैं। इस मूवी के मुख्य भूमिका में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, अरुण गोविंद नजर आएंगे। आपको बता दें कि रिलीज से कई दिन पहले ओमजी 2 एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। शुक्रवार तक की 11,367 सीटों की बिक्री हो चुकी है, जिसका मतलब है कि करीब 38 लाख रुपए की कमाई फिल्म ने रिलीज होने से पहले कर ली है। सबसे ज्यादा दिल्ली NCR में ये टिकट बिकी है। सबसे ज्यादा फायदा इसे NCR, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में हुआ है। और वही दूसरी तरफ गदर 2 का बात करें तो आपको पता ही होगा कि जब सनी पाजी का मूवी आता है तो पूरा मार्केट में हंगामा ही हो जाता है। वैसे बता दें गदर 2 का तो बताया जा रहा है कि ओमजी 2 की तुलना में गदर 2 की एडवांस बुकिंग ज्यादा बेहतर स्थिति दिख रही है। जहां सनी पाजी की मूवी का एडवांस बुकिंग में 90,000 टिकट सेल हुई है, वहीं ओमजी 2 को इससे करीब 40% धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। बाजार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए साफ यही लग रहा है कि दरअसल अनिल शर्मा की गदर 2 में ज्यादा इंटरेस्ट रख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि रिलीज से बाजार की स्थिति कैसे बढ़ती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय बाय बहुआ, चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।